आज हम एक ऐसी सब्जी या पौधे की बात करेंगे जो अक्सर हर जगह आसानी से उग जाता है, लेकिन बहुत गुणकारी होता है, जिसका पत्ता, फूल और फल का खाने में उपयोग किया जाता है। तो सही समझे दीदी लोग, उसका नाम सहजन, सजना या मूंगा है। तो आइए देखते हैं इसका वीडियो। अब हम आपको सारे सब्जी के बारे में तो बता दिए। अब सहजन का जो आप लोग सब्जी तो सब दीदी खाए होंगे, लेकिन पत्ते में जो विशेषता है वो हम आपको बताइए दीदी। ये पत्ता जो है इसमें विटामिन और आयरन होती है, इसलिए जो गर्भवती और धात्री महिला जो है उनको खाना अति आवश्यक है दीदी। लेकिन ये तो पत्ता है, ये खाने में अच्छा लगे दीदी? दवाई जो होती है वो कैसी होती है? कड़वी होती है। सोचिए ना कि दवाई के रूप में इसको दिया। इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं थी। आप जान गई ना? बहुत अच्छा बात बताई दीदी। सब दीदी समझ गई? पहले तो सिर्फ खाली सब्जी ही खाते थे दीदी, पत्ता तो हम लोग नहीं खाते थे कभी, लेकिन अब जानकारी मिल गई है पत्ता हम कितना भी। ठीक है, अब आप पत्ता को हम कैसे बनाएंगे? ये पत्ता है जो दीदी आप समझ लीजिए, ये आटा में भी गूंद के रोटी बना सकती हैं, और दाल में डाल के जैसे दलसग्गा बनाते हैं गाँव में, दल भाजी उसमें भी डालते हैं, और इसके साग के रूप में भी बना के रोटी के साथ खा लेते हैं।